चले सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जी सर, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था सर? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पे बैक पीरियड डिस्कस किया था, ऐसा ही है। हम लोगों ने सिंपल पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड डिस्कस किया था, ऐसा ही है सर। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस किया था सर। एक दफा जरा 2 मिनट के अंदर रिकैप कर देते हैं। सुने, हमने बोला सर कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता था सर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता था कि इस प्रोजेक्ट में मुझे एक्चुअल में रिटर्न कितना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता था कि इस प्रोजेक्ट में एक्चुअल में मुझको रिटर्न कितना है, ये कहलाता था मेरे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा ही है सर। पेबैक पीरियड क्या बोलता था? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते थे? 1-2 NPV आपको चाहिए होती थी और आप इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला है IRR का उससे निकाल रहे होते थे सर। पेबैक पीरियड क्या होता था? पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट ये था कि सर आपने पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट ये था सर, कॉन्सेप्ट ये था कि सर आपका जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन से साल में रिकवर हो रही है। सिंपल का मतलब कैश फ्लो की बेस पे करेंगे, डिस्काउंटेड का मतलब मैं प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे करूंगा। ऐसा ही है। चलें सर, आज हम बातों को आगे लेके चलते हैं। जरा आप लोग के पास एक अदद हैंड आउट है, ये रहा सर आप लोग के पास एक अदद हैंड आउट है सर। इसका क्वेश्चन नंबर 7 आज इंशाल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे और हम जो है वो पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। डन है सर? सर क्वेश्चन नंबर 7। चले सर 2 मिनट आपके पास है, जरा सवाल की अंग्रेजी पढ़ लें। 2 मिनट आपके पास है, सवाल की अंग्रेजी पढ़ लें और फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। सवाल की अंग्रेजी पढ़ लें। चले बॉस पढ़े भाई। चले सर, सर सवाल में क्या है? कैलकुलेट रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास NPV और IRR। सर बड़ा गौर से सुनिएगा इस सवाल के, हम जो है वो कुछ नई चीजें सीखेंगे। ए लिमिटेड मेक्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $120,000। सर हमने कितने की इन्वेस्टमेंट कर दी है? $1,20,000 की। फॉलोइंग आर दी एक्सपेक्टेड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। सर एयर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने कितनी कितनी यूनिट बेचने का इरादा रखा हुआ है? 10, 13, 500, 14, 15 और 12। सर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹10। $10। फिर सर कितनी मेरे पास? 3, 2 ओवरहेड कितना है? 1 एडिशनल 5। सर टैक्स कितना है मेरे पास? 30%। और सैलवेज वैल्यू कितनी है मेरे पास, यानी कि 4-5 साल के बाद ये एसेट जो है कितने का बिक जाएगा? 20,000 का। डेप्रिसिएशन किस बेस पे लगाएंगे हम लोग? स्ट्रेट लाइन पे लगाएंगे। चले सर NPV कैलकुलेट करें। तो मेरा भाई ये सवाल मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग कैलकुलेटर की मदद से मुझे आंसर देंगे। फिट हो गया? कैलकुलेटर मैं यूज नहीं कर रहा, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोग मुझे जो है ना वो गड़बड़ नहीं करेंगे। आओ जी। चले सर, सर सबसे पहले मैं NPV कैलकुलेट करके ने चला। सर सुने मेरा भाई, सुने सर, हम लोग कैसे NPV करते थे? इधर मैं लिखता था एयर कैश फ्लोस डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। एग्रीड सर? अब सवाल ही पैदा होता है, यहां पे कैश फ्लोस दिए हुए नहीं, यहां पे कैश फ्लोस बनाने पड़ेंगे। सेल्स लेस मटीरियल लेस लेबर लेस ओवरहेड लेस डेप्रिसिएशन फिर टैक्स फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर रिश्ता तो खत्म हो जाएगा सर, क्या करें? तो उसको हम यूं लेके चले, सेल्स लेस मटीरियल लेस लेबर ये वो ये सही है, तो यू लेके चलेंगे हम इस सवालों को। डन हो गया? चले सर स्टार्ट करते हैं। बॉस एयर 0, 1, 2, 3, 4 कितने साल है? 5। चलो मेरा भाई स्टार्ट। सर सुने, सबसे पहले मैं कैश फ्लो कंप्यूट करने जा रहा हूं, सर सुने बॉस सेल्स। चले सर बताइए, सर पहले साल कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे आपने? बॉस पहले साल आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे? 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट आप कितने का बेचते हैं? $10 का। कितना हो गया सर ये? 1,00,000। मानते कि नहीं मानते? सर एयर 2 में आइए, एयर 2 के अंदर आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचने का इरादा रखते हैं? 13,500। सर एक की कॉस्ट कितनी है? $10। कितना? 1,35,000। एयर 3 का बताओ भाई,
140,000 एयर फोर सर 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 डॉलर कितना 150,000 एयर फाइव 120,000 सर क्या मैं सही जा रहा हूं भाइयों आगे सर ये माल ऐसी नहीं भी के बनेगा बल्कि इस माल को बनाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा मटेरियल लगाना पड़ेगा सर सर लेबर की कॉस्ट लगेगी भैया मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल लगेगा और सर मेरे पास एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा एग्जिस्टिंग वाले की अपोर्शनमेंट नहीं बल्कि कौन सा वाला एडिशनल वाला यानी कि अगर मैं ये मशीन लगाऊं तो इसकी वजह से अगर जो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी मतलब इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी वो कॉस्ट यहां पे लूंगा मैंने बोला सर फैक्ट्री का किराया पहले भी उतना था मशीन लगाने के बाद अभी भी उतना है हमने थोड़ा सा इस पर अलोकेट कर दिया सर वो नहीं आएगा यहाँ पे एडिशनल वाला आएगा रेलिवेंट कॉस्टिंग याद है ना भाई एमए क्या था अपना एमए के पेपर के अंदर एफ2 के अंदर रेलिवेंट कॉस्टिंग वो चले सर सर मटीरियल पर आइए सर मटीरियल पर आइए मैंने बोला बॉस पहले साल आप कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचने का इरादा रखते हैं सर आपने बोला 10,000 यूनिट बेचने का इरादा रखते हैं एक यूनिट बनाने पे मटेरियल की कॉस्ट कितनी है $3 एक यूनिट बनाने पे मटेरियल की कॉस्ट कितनी है $3 कितना 30,000 यस बॉस फिर बताइए 40500 सर कैसे निकाला सर 13,500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय $3 हैं भाई लोग चेक कर देना यार प्लीज चले सर एयर थ्री के अंदर सर जी कितने सर 14,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 42,000 हाँ 42,000 एयर फोर 45,000 एयर फाइव 36,000 किसी का एतराज बॉस नहीं है आगे चढ़े सर लेबर मेरे भाई लोग लेबर की कॉस्ट सर मेरे पास लेबर पहले साल आपने 10,000 यूनिट बेचे और लेबर उसमें कितनी लगी $2 तो कितना हो गया 20,000 अगले साल आपने कितने यूनिट बेचे सर अगले साल आपने बेचे 13,500 यूनिट एक यूनिट पे $2 कितना 27,000 फिर 28 फिर बॉस 30 फिर बॉस 24,000 कोई इतराज है तो बताइए फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल सर जी कितना लगता है फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल सर $1 per unit यहाँ पे कितने यूनिट्स है सर मल्टीप्लाई बाय $1 कितने पैसे चले जाएंगे बिजली बिल की मद में $10,000 यहाँ पे 13,500 ये बॉस 14,000 सर ये 15,000 ये 12,000 ठीक हो गया सर एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी है बॉस 5,000 ये 5,000 ये 5,000 ये 5,000 मानते कि नहीं मानते सर किसी का इतराज है तो बताइए बिल्कुल फिट फाट एकदम चौकस और कोई खर्चा यस सर डेप्रिसिएशन सर सुने सर डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है स्ट्रेट लाइन सर स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो यस बॉस सर हमने डेप्रिसिएशन निकाली और इस सवाल के अंदर सर डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड सर स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है मेरे पास कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ या फिर रेट मल्टीप्लाई बाय या फिर रेट सर कॉस्ट कितनी है एसेट की 120,000 डॉलर माइनस सेल्वेज वैल्यू कितनी है बॉस 20,000 डॉलर लड़के लाइफ कितनी है 5 साल कितना 20,000 पहले साल कितना 20 दूसरे साल 20 स्ट्रेट लाइन की खूबसूरती क्या है हर साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैसा रहेगा सेम रहेगा फिट हो गया सर पीएनएल बन गया तो बॉस मेरे पास अब क्या जाएगा
सर जी मेरे पास अब क्या जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बॉस? 30, 20, 25, 30. पहले का कितना? 15,000. फिर सर ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सर जी फिर कितना? 31,000. फिर सर कितना? 35,000. फिर बॉस 23,000. सर ये मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, सर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स वाला टैक्स लेगा. सर टैक्स कितना है? 30%. दो भाई टैक्स दो. टैक्स कितना? 30% लगाइए सर. कितना? 4500. आगे बराबर वाला 8700. फिर बराबर वाला 9300. बराबर वाला 10,500. बराबर वाला 6,900. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सर कितना? 10,500. ये भाई 20,300. ये भाई 21,700. ये भाई 24,500. ये भाई 16,100. किसी का तराज? डन हो गया. लॉजिक क्लियर? सर दो मिनट के लिए सुना, दो मिनट के लिए सुने. सर हम लोगों ने इस एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हुए एक चीज को हमने कंसीडर नहीं किया जो हमें करना चाहिए था. मैंने छुड़वाया. क्यों छुड़वाया? सर सुने, सर जब इस एसेट को डिस्पोज करेंगे तो सर जब इस एसेट को डिस्पोज करेंगे 5 साल बाद हमने मशीन कितने की खरीदी है? 5 साल का कितने की बिकेगी? 20,000. तो सर लॉस या गेन भी तो कंप्यूट होगा. वो क्या है? पीएनएल के अंदर आता है. हमने बोला सर हमने इसलिए ले लिया क्योंकि स्ट्रेट लाइन में गेन या लॉस कंप्यूट नहीं आता, जीरो आता है. हमने बोला सर वर्किंग तो करें जरा. आइए सर, तो मैं एक वर्किंग करने चला लॉस या फिर गेन ऑन डिस्पोजल. सर गौर से सुनेंगे भाई, एसेट की कॉस्ट कितनी है? ये एसेट आपने कितने का खरीदा? $1,20,000 का, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. यस बॉस. सर इसको मैंने कितने साल इस्तेमाल किया? 5 साल. हर साल मैंने इसका डेप्रिसिएशन निकाला, 1, 2, 3, 4 और 5. सर पहले साल का डेप्रिसिएशन मैंने कितना निकाला? सर जी मैंने पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना निकाला? सर जी मैंने पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना निकाला? 20,000. सर दूसरे साल का मैंने डेप्रिसिएशन कितना निकाला? 20,000. सर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन मैंने कितना निकाला? 20,000. चौथे साल का मैंने डेप्रिसिएशन कितना निकाला? 20,000. पांचवे साल का डेप्रिसिएशन मैंने कितना निकाला? 20,000. सर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 1,00,000. कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको आप क्या कहते थे? बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू या कैरिंग अमाउंट. सर कितना? इससे ज्यादा का बिकेगा तो गेन, कम का बिकेगा तो लॉस. सर बिका कितने का? सेल्वेज वैल्यू कितनी? 20,000. सर इसका मतलब ना ही गेन ना ही लॉस. एग्री कर दो. लेकिन अगर आता तो सर पीएनएल पे दिखाता मैं. कौन से साल में दिखाता? आखिरी साल में. एग्रीड. स्ट्रेट लाइन में आपको पता नहीं होता, आप स्किप भी कर जाओ तो खैर है. आगे हमने बोला सर ये पैसा आपकी जेब में आया, एनपीवी निकालते हुए आप इसको कंपेयर किससे कराते हो? 1,20,000 से. 1,20,000 क्या चीज है तुम्हारे पास? जो एसेट तुमने खरीदा वो
हमने बोला सर एक बात बताइए, हम तो वर्किंग करते हैं कैश फ्लोस के अंदर कि कितने कैश आए कितना कैश नहीं गया। हमने बोला सर डेप्रिसिएशन की क्या किसी को पेमेंट करते हो? नहीं सर मैं डेप्शन की पेमेंट तो नहीं करता। तो सर ये जो मैंने डेप्शन को फिर यहाँ पे क्यों लिया, डेप्शन को यहाँ पे उड़ा देते। मैंने बोला सर डेप्रिसिएशन को मैंने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि उसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स भी कम हुआ। एग्री करते हो? हाँ मैं डेप्शन की पेमेंट नहीं करता। एग्री करते हैं? इसका मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से मुझे टैक्स की बचत हो रही है। अगर मैं डेप्शन यहाँ पे नहीं लेता तो इसका मतलब ये होता ये प्रॉफिट ज्यादा होता तो टैक्स वाला भी ज्यादा ले लेता। टैक्स तो मेरा कैश एक्सपेंस है ना यार, वो तो मुझको कैश देना ही है। तो यहां पे जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है मेरा कितना 20,000, सर मुझको पैसे नहीं देने, मुझको पैसे नहीं देने। तो सर ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन को मैं क्या कर दूंगा, दोबारा से ऐड कर दूंगा। डेप्रिसिएशन को मैं दोबारा से ऐड कर दूंगा। बात मानते हैं? बात मानते हैं? तो सर मेरे पास क्या आ जाएंगे, कैश फ्लोस। मेरे पास क्या आ जाएंगे, कैश फ्लोस। सर किसी को एतराज है यहां तक तो बताइए, किसी को यहां तक एतराज है तो बताइए। डन, सॉलिड, सॉलिड। सर क्यों? सर मैंने बोला सर आपने फिर यहां पे डेप्शन लिया क्यों? मैंने बोला सर हम लोगों ने पहले भी बात की है बेसिक्स के अंदर कि सर मैंने यहां पे पीएनएल बनाया और मैंने टैक्स दिया, मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, डेप्रिसिएशन की मैं पेमेंट नहीं करता, तो डेप्शन को मैंने क्या कर दिया, दोबारा से एड बैक कर दिया। सर किसी को एतराज? चले सर सवाल बस समझे, खत्म। मैंने बोला सर आइए सवाल को। मैंने बोला सर मैंने एसेट खरीदा इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। सर एसेट मैंने कितने का खरीदा? मैंने ईयर जीरो पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी, 1,20,000 की। और एसेट 5 साल के बाद बिका, कितने पैसे देके गया मुझे? 20,000 रुपए देके गया, सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू। तो सर मेरे पास कैश फ्लोस कितने आ गए? सर मेरे पास कैश फ्लोस कितने आ गए? सर एग्जाम के अंदर आपको कैश फ्लोस नहीं देगा बल्कि ऐसे आपको कैश फ्लोस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? चले सर, सर मुझे जरा कैश फ्लो बताते चले। सर ये कितना माइनस का 120, ये कितना 30,500। सर ये कितना 40,300। ये मेरा भाई 41,700। ये सर 44,500। ये सर 56,100। सर बात सर, मैंने क्या किया, एग्जाम में आपको इस तरह का सवाल मिलेगा, लेकिन वो यहाँ पे तो मैंने सवाल आपको दिया अंग्रेजी में, वहां पे सवाल आपको मिलेगा, यहाँ पे सवाल दिया मैंने आपको नंबर्स में, वहां सवाल मिलेगा अंग्रेजी में। बस सिर्फ इतना सा फर्क है। डन सर, ये डेप्शन की कहानी समझ आई? डेप्रिसिएशन को आपने एक्सपेंस आउट किया ताकि टैक्स के ऊपर इंपैक्ट आए, और फिर आपने उसको दोबारा ऐड बैक कर दिया जैसे कैश फ्लो वगैरह में करते थे। लॉजिक क्लियर? सर क्यों किया आपने डेप्शन को यहाँ पे? सर क्यों किया सर आपने? क्योंकि सर एक्सपेंस आया, प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स भी कम हुआ, तो टैक्स वाले को तो कैश फ्लो का इंपैक्ट लेना ना। मैंने लॉजिक क्लियर? टैक्स वाला तो उसको लॉबल करता है, बोलता है सर आपका डेप्शन एक्सपेंस है, टैक्स कम कर दे। हमने कम कर दिया। एग्री करते हैं? चले सर, कॉपी करेंगे इसको, पहले इसको कॉपी कर लें ताकि मैं सवाल कंप्लीट कर दूं। इसको कॉपी करना है, मिटा दो, हाँ पिक्चर भी ले लें, और पहला पेज इसके लिए छोड़ दें सर, दूसरे पेज पे वर्किंग कॉपी कर लें। चले सर, ये वर्किंग में इंटरनल यूजर्स के लिए करूं या एक्सटर्नल के लिए? इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के लिए थोड़ी, मैनेजमेंट के लिए। उनको थोड़ी बताऊंगा मैं, शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर को तो भाई प्रॉफिट, ईपीएस, डिविडेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस। पैसा कैश का आउटफ्लो गया ना, पैसा गया ना, नोट। तो सर जो मैं असल पीएनएल बनाता हूं, हाँ, जो मैं शेयर होल्डर को देता हूं, मैं आप में डिपार्टमेंट को देता हूं, हाँ, को देता हूं, उसके अंदर भी मैं डेप्रिसिएशन को लेता हूं, लेता हूं, वो तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसके बगैर तो नहीं बनते अकाउंट्स। उसमें ऐड बैक क्यों नहीं करता दोबारा? उसमें दोबारा ऐड बैक क्यों नहीं करता? तो कैश फ्लो कैसे, तो पीएनएल बनता है ना, प्रॉफिट बनता है, कैलकुलेट कर, लेकिन कैश फ्लो में तो ऐड बैक करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट की फिगर अलग होती है कैश फ्लो की फिगर, और कैश फ्लो बनाते हुए हम लोग ऐड बैक करते तो है, ऐड बैक करते हैं, कैश फ्लो में करते हैं, कैश फ्लो करते हैं, पीएनएल के अंदर नहीं, क्योंकि हम आप उनको हम कैश की बात कर रहे हैं। और फिर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखा हमने, इसमें आपने 120 माइनस करके इसी के साथ 20,000 रुपए एयर 5 के अंदर ऐड भी कर दिए। दोबारा बोलो, सॉरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने लास्ट में लिखा है, इसके अंदर आपने 1,20,000 माइनस कर दिए क्योंकि वो आउटफ्लो था, सही है, और साल आपने यानी 5 साल के ये लास्ट में मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे, स्क्रैप हो गया, कचरा मिला ना, तो मुझे उसके उसका भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक एक चीज आएगी। चलें सर सुनेंगे।
बॉस सुनेंगे बात को, मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ, बात को मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ। सच सुने, एयर वन टू थ्री सॉरी जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव। यस बॉस। सर आप लोग इसी के नीचे से कॉपी करेंगे, आप लोग इसी के नीचे से कॉपी करेंगे। सर डिस्काउंट फैक्टर कितना है क्वेश्चन के अंदर, डिस्काउंट फैक्टर कितना है? मैं मिस कर गया लिखना, 10% लिख लें। सर डिस्काउंट फैक्टर कितना है? सर हैंडआउट में 10% कर लेगा, नहीं है तो 10% कितना है? चले सर एयर जीरो का आप लोग को पता है वन, इसका कितना बॉस 0.909, इसका कितना सर 0.826, इसका 0.751, 0.683 और 0.621। चेक कर लो भाई एक दफा इसको चेक कर लीजिए, ठीक है बॉस? चलो मल्टीप्लाई करवाओ। सर एयर जीरो पे मेरे पास कैश फ्लोस कितने हैं? -120। सर कितना हो गया ये 120, ऐसा ही है? मल्टीप्लाई कराओ सर 30,500। यस बॉस मल्टीप्लाई करवाइए। मल्टीप्लाई करें 30,500 पहले साल, और सर डिस्काउंट फैक्टर कितना है 0.909। सर जी कितना बताएं बताएं? 277,25। आगे बढ़े बॉस। फिर सर नेक्स्ट ईयर मेरे पास 40,300। सर मल्टीप्लाई बाय 0.826 कितना? 288। फिर ये थोड़ी देर बाद लाते हैं, हाँ तकरीबन 5 बजे तक ला देना, मैं किसी और को दे दे। सही कितना भाई? 31318 77 7। चलो बॉस आगे बढ़ाओ मेरे भाई लोग, आगे बढ़ाओ। कितना चौथे साल मेरे पास 44,500 मल्टीप्लाई बाय 0.683 कितना? 30,394। फिर आगे बढ़ाइए सर मेरे पास 56,100 मल्टीप्लाई बाय 0.621 कितना? 34,838। यस बॉस। इसकी एनपीवी निकालिए सर कितना, एनपीवी निकालें बॉस कितना? 37,562। फिट हो गया सर। क्या सबको समझ में आया मेरे भाई लोग? क्या सबको समझ में आया? डन हो गया एनपीवी आईआरआर और पेबैक तो निकाल लेंगे, हमें टेंशन नहीं है। फिट है सर, कंप्लीट करें इसको, कंप्लीट करें फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूं और फिर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस कराऊं, फिर पास्ट पेपर का आप लोग को एक सवाल कराऊं। आईआरआर भी निकाल लेंगे? नहीं नहीं आईआरआर नहीं, बस काफी है। अब पास्ट पेपर की करेंगे, निकालना तो आ गया ना, मैं तैयार कर दिया आपको पास्ट पेपर के लिए, अब पास्ट पेपर पर आ जाइए। चले बस आगे बढ़े। सर सुने भाई, अब हम मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट ना। सर सुने मेरे भाई, मुझे एक बात बताइए सर, ये आपने क्या किया सुनिएगा। सर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को यहाँ पे लिखा जी। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को लिखा और फिर आपने इसको दोबारा ऐड कर दिया सर, तो मैं यूं कह सकता हूँ कि इस डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम हुआ और टैक्स कम हुआ, तो मैं कह सकता हूँ सर इस डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स के अंदर सेविंग हुई है, कह सकता हूँ। और कोई काम नहीं है, दोबारा तुमने दोबारा बाद में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सर मैं अगर इसका दूसरा तरीका सॉल्व करने का करूं, मैंने बोला सर आप ऐसे सॉल्व नहीं करें बल्कि आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें। सर कैसे दूसरे तरीके से, सुनिएगा मैंने बोला सर इसका अगर अब आंसर सेम बनेगा लेकिन इंपैक्ट क्या है सर, इस टैक्स इस डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स की सेविंग हो रही है और कोई काम नहीं है इसका, तो मैंने बोला सर डायरेक्ट नेट पे वर्किंग कर लो ना। सर कैसे नेट पे वर्किंग, सुनिएगा जिस पे हम आगे वर्किंग भी उसी पे करेंगे। इतनी सारी लंबी चौड़ी लाइनों को हटाइए सर, वर्किंग को थोड़ा सा कम कीजिए, वर्किंग को थोड़ा सा कम कीजिए। फिट है? हमने बोला सर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सुनिएगा सर ये मेरे पास आ जाएगा
इसको मैं क्या बोलूंगा सर, इसको मैं बोलूंगा टैक्सेबल कैश फ्लोस। इसको मैं क्या बोलूंगा टैक्सेबल कैश फ्लोस। बॉस बताते हो सर, बताते हैं 15,000 सही बता रहा हूँ, टैक्स हटा दी, टैक्स हटा के बिफोर टैक्स है ना, नहीं नहीं डेप्रिसिएशन हटा दिया मैंने यहां से डेप्रिसिएशन, अभी तो वही मिटा के वही क्यों पूछूंगा यार। पहले का 35,000 फिर 49,000 फिर 55,000 सर ये मेरे पास, इसको मैंने नाम दिया टैक्सेबल कैश फ्लोस। सुनो 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 सर, टैक्स कितना मेरे पास 30% सर, इसका जरा टैक्स लगाइए 30% कितना 35,000 का, जरा 30% करें कितना 10,500 सर, इसका लगाइए जरा कितना 14,700 इसका लगाइए जनाब कितना 15,300 इसका लगाइए बॉस कितना 16,500 इसका लगाएं सर कितना 12,900 हमने बोला सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमने बोला सर इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखें प्रॉफिट कम होगा तो फिर टैक्स कम होगा ना यार। हमने बोला सर डेप्रिसिएशन का काम क्या होता था सर, डेप्रिसिएशन का काम टैक्स की अमाउंट को कम करना होता था। तो सर इसको मैं यूं कह सकता हूं अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी के अंदर कि सर टैक्स सेविंग फ्रॉम डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को हम लोग कैपिटल अलाउंस कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं बॉस, कैपिटल अलाउंस। ऐसा ही है सर, पहले साल का डेप्रिसिएशन सर सुनेंगे डेप्रिसिएशन मैं कैलकुलेट करने चला, सर डेप्रिसिएशन मैं कैलकुलेट करने चला, सर मेरे पास मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है सर। सुने एयर 1, 2, 3, 4 और 5 सर मैंने बोला मेरे पास यहां पे डेप्रिसिएशन, सर सुने सर डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है मेरे पास, कॉस्ट एसेट कितने के है मेरे पास $120,000 माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। लड़के पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आया था मेरे पास 20,000 सर, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना मेरे पास 20,000, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना मेरे पास 20,000, चौथे साल का डेप्रिसिएशन कितना मेरे पास 20,000, पांचवें साल का डेप्रिसिएशन मेरे पास कितना 20,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसा रहता है सेम रहता है। सर इसके ऊपर टैक्स की सेविंग कितनी मिलेगी, सर टैक्स रेट कितना है मेरे पास 30%, यस बॉस इसका 30% कितना 6,000 सर, इसका 30% कितना 6,000 सर, इसका कितना 6,000, इसका कितना 6,000, इसका कितना 6,000, मानते कि नहीं मानते सर, मानते कि नहीं मानते सर, सुने 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 मैंने बोला सर टैक्स सेविंग फ्रॉम कैपिटल अलाउंस, सर कितना मेरे पास, कितना मेरे पास 6,000, कितना मेरे पास 6,000, कितना मेरे पास 6,000, कितना मेरे पास 6,000 और कितना मेरे पास 6,000, यस बॉस सर जरा प्लस माइनस करें कितना, फिट है चेक करें, 40,000 सर ये भी लगाओ सैलवेज सर। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग डेप्रिसिएशन लेके फिर टैक्स लगा के फिर दोबारा डेप्रिसिएशन को ऐड वगैरह करके ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम कैसे करेंगे शॉर्टकट तरीका करेंगे। डन, सारे सवाल इसी पे सॉल्व होंगे, एग्जामिनर भी नॉर्मली इसी पे सॉल्व कर रहा होता है। खैर उस तरीके से करोगे तब भी आंसर सेम आता है, फिट हो गया बॉस, दो स्टेप माइनस होगा। चलो टाइम भी बच गया एग्जाम में यार,
फिट है बॉस, असल जो मकसद था मकसद हमने पूरा कर दिया। डेबिशन को लिखता, माइनस करता, फिर टैक्स निकालता, फिर दोबारा एडबैक करता था, भाई जो नेट इंपैक्ट वही ले ले डायरेक्ट यार, कहानी खत्म, कहानी खत्म। लॉजिक क्लियर बॉस, लॉजिक क्लियर, समझ में आ गया। चले सर कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर मैं अगला इसका करवाता हूँ। कॉपी करो, कॉपी करो भाई, घर जाके एकदम। अगर मुझसे पूछोगे कि मेरा टैक्स एक्सपेंस कितना है, टैक्स एक्सपेंस फिर हम नेट करके बताओगे, फिर नेट करके बताओगे, सही हो गया। चले सर टैक्स सेविंग मास है, मास है, हाँ डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स सेविंग है, बिल्कुल ऐसा ही है। चले सर, सर अगला सवाल जब तक आप लोग पढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 8 जब तक आप पढ़े मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूँ। कौन नहीं करी किसकी रेट दिया, हाँ रिड्यूसिंग वाला मेथड कर दिया, हाँ तो इसको भी इग्नोर करूंगा, क्यों इग्नोर करूंगा, रेट निकाल देगा, कौन सा रेट निकालता है, नहीं ना कंसीडर करेंगे ना सर, फॉर्मूले में आ जाएंगे, हाँ तो नहीं आती, जो फॉर्मूला है वही लेके चलेंगे जो दुनिया ने फॉर्मूला बनाया, कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय, बिल्कुल वही लेके चलेंगे। जी सर, क्वेश्चन नंबर 8, सर जी क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें क्या सर, सवाल में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ए लिमिटेड मेक्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $220,000, फॉलोइंग आर द एक्सपेक्टेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, सर 5 साल है मेरे पास, और पहले साल मेरे पास कितने यूनिट सोल्ड किए, 12, 11, 512, 16 और फिर आगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है मेरे पास $22, मटीरियल है 6, लेबर है 4, वेरिएबल ओवरहेड है 2, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है 8,000, टैक्स रेट है मेरे पास 25%, सेल्वेज वैल्यू है मेरे पास 10%, डेप्रिसिएशन मेथड है मेरे पास 15%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सर चेंज कर दिया मैंने, कौन सा मेथड कर दिया, रिड्यूसिंग, पहले साल को जब डेप्रिसिएशन है, दूसरे साल का कुछ और, तीसरे साल का कुछ और, चौथे साल का कुछ और सर मेरे पास वैक है 8%, सर कौन से तरीके से जाएंगे, शॉर्टकट के तरीके से जाएंगे, सर यहाँ पे लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल भी आएगा, तो सर आप लोग शॉर्टकट तरीके से जाएंगे, लॉन्ग कट तरीके से नहीं, लॉन्ग कट तरीके से ले जाओ, शॉर्टकट से ले जाएंगे, आंसर तो सेम आता है सर, आंसर तो सेम आता है, तो सर हम लोग शॉर्टकट तरीके से चलेंगे, छह दो तीन लाइनों का काम बच जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से भी, आप लोग मुझे सिर्फ टैक्सेबल कैश फ्लो निकाल दो, बोले तो सेल्स मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स कॉस्ट, बस बाकी का काम मेरा, बाकी का काम मेरा। चले सर डन मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा और चिल्लर चिल्लर चीज आपने कर ली होंगी। चले सर स्टार्ट करते हैं, एआर कितने साल है बॉस, 5, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जी सर, सारी की सारी वर्किंग सर हम करेंगे डॉलर्स के अंदर, ठीक हो गया। चले सर स्टार्ट करते हैं बॉस, सबसे पहले सेल्स, आओ जी सर, एयर वन के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे आपने, 12,000, एक यूनिट आप कितने का बेचते हो, $22 का, कितना, 264,000। एयर टू के अंदर आपने 11,500 यूनिट्स बेचे, एक यूनिट कितने का, $22 का, कितना, 253,000। एयर थ्री बताइए, 264,000। एयर फोर बताइए, 352,000। एयर फाइव बताइए, 396,000। डन है सर, सेल्स के बाद मेरे पास है कॉस्ट, बोले तो मटेरियल, आए सर पहले साल आपने कितने यूनिट बेचे, 12,000, एक यूनिट के बाद $6 की कॉस्ट है, कितनी, 72,000। यस बॉस, एयर टू पर आइए सर, 11,500 मल्टीप्लाई बाय $6 कितना, 69,000। एयर थ्री बताइए,
एयर फोर बताइए 96,000, एयर फाइव बताइए 108,000, ऐसा है। मटेरियल के बाद मेरे पास क्या है सर यहाँ पे, लेबर। क्या सीन है सर लेबर का, पर डॉलर है, पर यूनिट है मेरे पास $4। पहले साल आपने 12,000 यूनिट्स बनाने का रहता है और एक यूनिट के बाद $4 की कॉस्ट है, कितनी? 48,000। फिर सर 46,000, फिर 48,000, फिर 64,000, फिर 72,000। चलें सर, यस बॉस। उसके बाद है मेरे पास, उसके बाद है मेरे पास सर फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल वाला। हाँ लड़के, सर बताना शुरू करो। सर मैंने पहले साल कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचने का रहा था, 12,000 और वेरिएबल ओवरहेड $2, कितना सर? 24। फिर भाई 23,000, फिर सर 24,000। भाई एक बंदा चेक भी करता रहे, कितना सर? 32,000 और 36,000। फिट फाट जा रहे हैं बॉस। उसके बाद है मेरे पास एडिशनल फिक्स कॉस्ट। सर फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स एडिशनल वाली कितनी? 8,000। फैक्ट्री ओवरहेड एडिशनल वाली कितनी? 8,000। ये कितना बॉस? 8,000। ये कितना सर? 8,000। ये कितना जनाब? 8,000। चले सर, डन। अब सब नींद कर लिए। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है मेरे पास। सर मेरे पास दो तरीके होते हैं, यहाँ तो मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स लूँ, फिर उसको दोबारा ऐड बैक कर दूँ, एक तरीका ये। दूसरा तरीका अभी हम लोगों ने सीखा, कौन सा वाला तरीका सीखा सर? शॉर्टकट वाला तरीका सीखा। कौन सा वाला तरीका सीखा सर? शॉर्टकट वाला तरीका सीखा। सर हमने बोला हम शॉर्टकट तरीके से जाएंगे, हम शॉर्टकट तरीके से जाएंगे। आइए सर शॉर्टकट तरीके से चलते हैं, सुनेंगे बॉस। तो सर मेरे पास यहां पे क्या आएगा? टैक्सेबल कैश फ्लो। बताइए सर कितना? 1,12,000, 107,000, 112,000, 152,000, 172,000, ऐसा ही है, ऐसे ही है सर। सुने सुने सुने, गलत है। कौन सा आखिरी वाला? चक्रो 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 मेरा भाई चक्रो। चले बॉस, सर डन है भाई, डन है। चले सर आगे आगे। मैंने बोला सर अब इसके बाद है मेरे पास डेप्रिसिएशन वाला सीन और टैक्स वाला सीन। चले सर, सर टैक्स का रेट क्या है मेरे पास? सर टैक्स का रेट क्या है मेरे पास? 25%। आओ जी सर, मैंने बोला टैक्स से मेरे पास 25%। यस बॉस, कितना? अबे यार सही रॉकेट बनेगा। 28,000। फिर बॉस 26,750, फिर बताइए 28,000, फिर सर 38,000, फिर 43,000। सर सुने, अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद? सर इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन का नेट इंपैक्ट लेते थे, जो हम लोगों ने भी सीखा थोड़ी देर पहले। इसको मैं क्या बोलता था? टैक्स सेविंग फ्रॉम, टैक्स सेविंग फ्रॉम कैपिटल अलाउंस। सर डायरेक्ट नेट वर्किंग हम लोगों ने सीखी, हम लोगों ने सीखी। आओ जी आओ जी आओ जी, सीखे 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 सीखे। सर सुनेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। बॉस सुने मेरे भाइयों, सुनो सर, यहां पे मैं वर्किंग करने चला डेप्रिसिएशन की, गौर तरफ। यहां पे मैं लिखूंगा बॉस एयर, यहां पे
मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन, यहां पे मैं लिखूंगा टैक्स सेविंग। ईयर वन टू थ्री फोर और फाइव। सर आइए डेप्रिसिएशन निकालने चले। सर डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है मेरे पास? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर फॉर्मूला याद है ना हमारे को? सर क्या फॉर्मूला था मेरे पास? कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 2,20,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कंपनी का पहला साल है तो सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लाई बाय सर रेट क्या है मेरे पास? 15% मिला सर। मिला कितनी मनी? 33,000। सर किसी का इतराज है तो बता दे। दूसरा साल एसेट की कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर अब आ चुका है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और 15% कितना? 280,050। मस्त है। अगला साल तीसरा साल 220,000 माइनस अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो साल के हो गए। सर प्लस कर लोगे 33,000 और 28,050 कितना? 60,000। जी सर अब दो साल की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। सर जी कितना? 61,050 मल्टीप्लाई बाय 15%। सर चौथे साल पे आइए कॉस्ट तो खत्म हो गए। नहीं छोड़ दे फिर छोड़ दे रहने रहने पैसे अगली दफा कर लेंगे ना। कल खिला देना सही है कल खिला देना। अच्छा भाई कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट 33,028,050 प्लस 61,050। सर कितना बन रहा है? पिछले तमाम सालों का डेप्रिसिएशन 122,100 ये कितना? सॉरी ये गलत हो गया ना, ये तो नंबर ही नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। यहाँ पे तो मैंने नंबर ही नहीं लिखा। कितना बॉस? 23,843। उसके बाद चौथे साल में सर मेरे पास कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट। अब एक्यूमुलेट कितने साल का हो गया है? 1, 2, 3 साल का। 33 प्लस 28,050 प्लस 23,843। सर कितना? चेक करते रहो मेरा भाई 84,893 सही जा रहा हूं मैं। कितना बना डेप्रिसिएशन? 220,000 माइनस 84,893 ऐसा ही है मल्टीप्लाई बाय 15%। सर चेक करें कितना? 2,066। हाँ भाई अनस अनस मेरा भाई। सर आखिरी साल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर कितना? 33,000 प्लस 28,050 प्लस 23,843 प्लस 20,266 कितना? 105,159 मल्टीप्लाई बाय 15%। 220,000 माइनस 105,159 मल्टीप्लाई बाय 0.15। सर कितना? 172,26 फिट हो गया। सर आखिरी साल के अंदर पांचवे साल के अंदर मेरे पास लॉस या फिर गेन की वर्किंग भी होगी, उसके भी तो टैक्स सेविंग होती है। गेन आएगा तो टैक्स पे करना पड़ेगा। आओ जी तो सर मैं आखिरी साल में जरा गेन या लॉस कंप्यूट करने चला। सर मैं आखिरी साल में गेन या फिर लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करने चला। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुने सर सर मैंने बोला कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कितनी है सर? कितनी है? 220,000 मानते कि नहीं मानते? सर लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर पिछले तमाम सालों का डेप्रिसिएशन ये रहा लड़के पिछले तमाम सालों का डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है बॉस? जरा ऐड करेंगे 33,000 प्लस 28,050 प्लस 23,843 प्लस 20,266 प्लस 17,226 कितना? ऐड करो भाई। सर 1,22,385 1,22,385
385। तो बॉस इसकी जो बुक वैल्यू बनी है सर वो कितनी बनी है 97,615। सर ये मेरे पास बनी है बुक वैल्यू, यानी कि अगर तो एसिड इससे ज्यादा पे बिकेगा तो गेन, कम पे बिकेगा तो लॉस। सर एसिड कितने पे बिका? सर सेल्वेज वैल्यू कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 10,000। सेल्वेज वैल्यू कितनी बॉस? 10,000। मानते कि नहीं मानते? सर तो नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? 87,615। सर पीएनएल के अंदर जाएगा ये लॉस ऑन डिस्पोजल? बिल्कुल जाएगा। पीएनएल के अंदर एक्सपेंस आएगा जिसकी वजह से टैक्स की सेविंग टैक्स कम हो जाएगा, तो उसको भी यहां पे लेंगे सर। कितना कितना? 87,615। मेरा भाई किसी का एतराज? सर किसी का एतराज? मेरे को यहां पे इसकी टैक्स सेविंग चाहिए। सर टैक्स रेट कितना मेरे पास? 25%। इससे पहले जो अभी हमने एक लाइन में कर लिया था स्ट्रेट लाइन के अंदर रिड्यूसिंग में, वही अलग अलग लाइन में। क्यों? स्ट्रेट लाइन में जिंदगी आसान सी, जो एक साल का डेफिशिएंट वही हर साल का डेफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे कहानी डिफरेंट है। चले सर 33,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना बॉस? 8,250। सही जा रहा हूं मैं? यस सर। 28,050 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना बॉस? 7,013। राउंड ऑफ कर दिया मैंने। 23,843 मल्टीप्लाई बाय 0.25 एक बंदा चेक करता है। 5,961 20,266 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना सर? 5,067 फिर सर 17,226 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना बॉस? 4,307 इसके बाद 87,615 मल्टीप्लाई बाय 0.25 ये कितना? 21,904। एग्री करते हो सर? चेक कर लो सारे, चेक कर लो, चेक कर लो। कुछ गलत है? चले सर पहले साल की टैक्स सेविंग फ्रॉम कैपिटल लॉस कितनी? 8,250। मेरा भाई फिर कितना? 7,013 फिर कितना मेरे पास? 5,961 फिर कितना मेरे पास? 5,067 फिर मेरे पास कितना? सर इनको एक साल दे दूं ऐड करके, अगर आप बुरा ना मानो तो आखिरी साल में एक साथ ही लिख दो, टाइम बचाएंगे हम एग्जाम में। कितना आ रहा ऐड करोगे? 4,307 2,964 2,621 2,621 2,621 2,621 सर मानते कि नहीं मानते? कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। चले सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? एसेट कितने का खरीदा आपने? 2,20,000 सर जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मैंने एसेट खरीदा है 2,20,000 का, और एट द एंड ऑफ द लाइफ कितने का पैसे मिले मुझे? 10,000। तो सर मेरे पास यहाँ पे कैश फ्लो आ गए, सर मेरे पास यहाँ पे कैश फ्लो आ गए। सर बताएंगे एयर जीरो पे मेरे पास नेट कैश फ्लो कितना आया? सर एयर जीरो पे मेरे पास नेट कैश फ्लो कितना आया? -2,20,000। सर फिर बताएंगे 1,12,28,000 8,250 बस। हाँ 9,225 आगे बढ़ा दो 8,7,263 कितना? 8,7,263 आगे बढ़ा दो 8,9,61 आगे बढ़ा दे 1,965 फिट हो गया। चले सर डिस्काउंट फैक्टर, सर मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर कितना है इस सवाल के अंदर? 8% 8%
यस बॉस बताइए सर कितना बना मेरे पास 0.926 ऐसा ही है। अगला 0.857 अगला बताओ भाई 0.794 0.735 फिर 0.681 चलो बस मल्टीप्लाई करके खत्म करो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी बॉस बताइए ये तो मेरे पास यही रहेगा -220 हाँ लड़के 8 5 4 2 4 अल्हम्दुलिल्लाह FM F9 आने हो ही मैं यहाँ पे हो मैं हूँ बस दो मिनट हाँ कितना 7 8 7 7 4 7 8 4 7 4 7 8 4 फिर 7 1 4 2 9 भाई एक बंदा मैच करता रहे कितना बॉस दोबारा बोलिए 8 7 5 1 4 फिर 1 1 2 5 0 चलो बॉस नेट कर लोगे 09 सर नेट कर लोगे इसको मेरे भाई लोग इसको नेट कर लोगे 1 1 2 5 0 NPV 2 1 1 6 0 एग्री करते हैं डन चले सर कॉपी करें फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊं क्या हुआ सोच रहे हो कॉपी नहीं करना नहीं तो बेचेगा ना तो 5 साल पूरे करने का मशीन को क्या करेंगे तो मतलब प्रोजेक्ट से तो रिलेटेड है ना इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो कंसीडर करेंगे ना नहीं अगर नहीं बोलेगा अगर नहीं बोलेगा तो 5 साल बाद क्या करेंगे कचरे हो जाएगा ना ये तो हम तो इसकी सैलरी वैल्यू कंसीडर करेंगे टैक्स सेविंग हो रही है ना सेविंग हो रही है लॉस हो गया डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन और लॉस क्या सीन है पीएनएल के अंदर एक्सपेंस आया तो प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम तो टैक्स देना पड़ता फिर माइनस का करता मैं नेट कर देता वहां आता मैं माइनस कर देता नेट कर देता मतलब मैं इसको माइनस का ले लेता फिर ये माइनस का हो जाता फिर ये हो जाता ये मतलब टैक्स में पे कर रहा हूं समझ गए ठीक हो गया भाई चले सर कॉपी करें स्पीड पे चले सर स्टार्ट करते हैं बॉस सर सुने हाँ भाई सर लॉस ऑन डिस्पोजल सर सुने मैंने बोला सर ये जो एसिड है वो 5 साल तक डेप्रिशिएट तो हुआ जो एसिड है वो 5 साल तक डेप्रिशिएट तो हुआ सर डेप्रिसिएशन होने के बाद सर ये अपने एसिड को बेचेगा और एसिड को बेचेगा तो सर गेन या लॉस तो आएगा तो हमने बोला सर अगर लॉस आया तो पीएनएल के अंदर लॉस आएगा प्रॉफिट कम तो टैक्स कम गेन आएगा तो सर प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा उसका सर इंपैक्ट बताइए तो सर मैंने गेन या लॉस निकाला एसिड की कॉस्ट कितनी 2,20,000 और एसिड को मैं 5 सालों में कितना डेप्रिशिएट कर चुका था ये मैंने टोटल कर दिया यहाँ पे तो मेरे पास एसिड की बुक वैल्यू आ गई ये एसिड में बेच कितने कर रहा हूँ तो सर ये तो बुक वैल्यू कितनी 97,000 बेच कितने कर रहा हूँ 10,000 तो मुझको तो लॉस आ गया सर कितना लॉस आ गया 87,000 का सर पीएनएल के अंदर 87,615 का लॉस आएगा तो पीएनएल के अंदर एक्सपेंस आएगा तो इसका मतलब है प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम तो इसके ऊपर भी टैक्स की सेविंग मिलेगी फिट है सर किसी का इतराज यहाँ पे थोड़ी लंबी ही हो गई है सर डेप्रिसिएशन का जो मेथड है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है हर साल का डेप्रिसिएशन अलग अलग आता है तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो गई है एग्री करते हैं सर इसका एक शॉर्टकट भी है उठाएं कैलकुलेटर सर उठाइए कैलकुलेटर शॉर्टकट सीखते हैं पहले साल एसिड कितने का माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहला साल है तो सर कोई एक्यूमुलेट नहीं तो मेरे पास कितनी वैल्यू होगा 220 मल्टीप्लाई 15% ले सर कैलकुलेटर भाई कितना बना
33,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, तो पहले साल की टैक्स सेविंग कितनी? 82,500 अच्छा जी सर, डेप्रिसिएशन का रेट क्या? 15%। इसका जरा 85% लो, फिट है? इसका जरा 85% लो, इसका जरा 85% लो, फिट है? जान छुटी हुई थी, लंबी चौड़ा कीड़ा मकोड़ा सारी। आखिरी साल ऐसा नहीं करना, क्यों? बचा 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 सर, आखिरी साल में ना दो चीजें, आखिरी साल में दो चीजें कौन कौन सी सर? लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल, दो चीजें, लॉस भी है और डेप्रिसिएशन भी है। सर इसका जरा टोटल करेंगे कितना आएगा? 1, 2, 3, 4 और ये, इसका जरा टोटल करें। आपने इस एसेट से रिलेटेड कितना टैक्स सेविंग ले ली? 52,502 ये राउंड ऑफ कैसे, वरना 52,500 है। सर सुनना, ये नंबर में डायरेक्ट निकाल सकता हूं, ये नंबर में डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे सर? एसिड की कॉस्ट कितनी है और एसिड ये बिकेगा कितने का आखिरी में? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर नेट मेरी जेब से, नेट मेरी जेब से कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, कितना पैसा लग गया? 2,10,000 का। इस ये मेरा नेट मेरी जेब से एसिड में पैसा लगा, टैक्स वाला इसके ऊपर सेविंग देगा सर, कितनी देगा? 25%। चेक करो ये यार, ये आ गया। पहला शॉर्टकट निकाला आपने, दूसरा शॉर्टकट मारा, तीसरा शॉर्टकट मारा, ये शॉर्टकट मारा, ये मैं बैलेंसिंग फिगर ले लूंगा तो मेरे को पंचायत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझ में मैंने क्या बोला? बात समझ में मैंने कैसे शॉर्टकट मारूंगा? ये मैं क्या ले लूंगा? बैलेंसिंग फिगर। बात समझ में मैंने क्या बोला? ये मैं निकाल लूंगा टोटल, ये नंबर पहले साल का हमने निकाल लिया 33,000 का 8,250, इसका 85%, इसका 85%, इसका 85%, आखिरी साल का हम नहीं लेते। टोटल निकाला, इसमें से ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो ये जो इतनी सारी वर्किंग कर ली ना मैंने, सही है, ये फिर करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे कैलकुलेटर के बटन दबाने पड़े ना, सारी वर्किंग करके हम शॉर्टकट वर्किंग पे करेंगे। बात समझ में आई सबोगे? हाँ फिट है बॉस। 52,500 मैं क्या बोलूंगा? टोटल टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस, टोटल क्या टैक्स सेविंग, तो इसको मैं डायरेक्ट यहां पे लिख सकता हूं, कर सकते हैं? 52,500 बिल्कुल हो जाएगा आखिरी साल में। नहीं नहीं, इज इक्वल टू करके, इज इक्वल टू करके 52,500, हां इज इक्वल टू करके, गेन सब का सम ये बनेगा। इसको बैलेंसिंग फिगर ले लो आखिरी साल को, समझे बॉस? तो अपने पास रजिस्टर के अंदर कुछ एरो वेरो इस तरह करके बना लो ताकि याद रहे। एक सीन फिर याद रखना सर, गलती क्या करता है बच्चा। सर टैक्स रेट कितना है? डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? यहां पे डेप्रिसिएशन का उल्टा होगा 85, जनता यहां पे 75% कर देती है, ये नहीं करना, बस ये चीज याद रखनी है। डेप्रिसिएशन के हिसाब से लेंगे 15, तो ये कितना 85, टैक्स के हिसाब से नहीं करना, 75 नहीं ले लेना, ठीक हो गया सर? चले सर इसको इस तरह एरो एरो बना के लिख लो ताकि हमें याद रहे, और इसके बाद हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अच्छा अगर आपसे रिक्वायरमेंट में खाली लॉस पूछे हो? नहीं पूछा ना, पूरा एमपीवी पूछता है। अच्छा लॉस और गेन नहीं पूछता? सिर्फ पूरी एमपीवी वर्किंग पूछता है। पीनल में जाता है, हम तो शॉर्टकट कर रहे हैं ना, वरना तो मैं पीनल में लॉस लिखूं फिर माइनस करूं टैक्स लगाऊं फिर दोबारा ऐड बैक कर दूं, तुम तो शॉर्टकट वाली अप्रोच पे चल रहे हैं ना। चलिए सर आगे बढ़े। सर ओके देंगे तो मैं आगे बढ़ता हूं।
ये तो कंप्लीट हो गया, ओके दोगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चले भाई, भाई कॉपी करना है, चले दो मिनट रुक जाते हैं। नहीं नहीं हम शॉर्ट ही करेंगे, इसके इसके होते हैं स्टेप। एग्जामिनर ने अपनी किट विट में सब ऐसे ही किया हुआ है। मार्क्स एलोकेशन वैसे अच्छी है, मेरे का भी अच्छी है, मैंने अपने हैंडआउट में डाली है, मैंने अपने हैंडआउट में डाली है मार्किंग स्कीम ना, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि मार्क्स अच्छे देता है। हमने 7 दिया था, हम करा दे गया, उन्होंने इस तरीके से बना के दिए ना, मतलब सेक्शन सी में 4-5 नंबर आए, वो 19 नंबर दिए थे, लेकिन वहां मैंने जो समझ में आया मैंने। कितने मार्क्स आए तुम्हारे? 55 आए। तो मार्क्स पता होता है सेक्शन सी में कितना है? तो वो फीडबैक आता है ना, फीडबैक पास वालों का भी है, फीडबैक आता है पास वालों का भी है। हां नहीं मतलब फेल वालों का सर, फेल वालों का पता आया हमारा जीके में भी है, तो दोनों पेपर मैच है सर। परसेंटेज लगाया था आपको, कितने परसेंट मतलब आपने कंप्लीट किया है, इतने टाइम एलोकेशन, तो परसेंटेज के हिसाब से मतलब लगा लेता हूं। अच्छा मतलब मैं समझा सिर्फ फेल वालों को मिल रहा है, हां दिखाना जरा मुझे भी यार। सर हम भी फेल वालों को ही बोल रहे थे, मैं भी समझा था फेल वालों का यार, मैं भी इसी उसमें था मुगलते में था, ये पास वाला तो बोलेगा मेरे को क्या लेना देना, हो गया पास खत्म। चले सर आगे बढ़ेंगे, सर सुने एक स्टेप फिर आगे लेके चलते हैं इसको, सर एक स्टेप फिर आगे लेके चलते हैं, बहुत सुने सुने सुने। हमने बोला सर एक बात बताइए, आपने जो सवाल किया इसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? सर इसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है सवाल के अंदर, जो अभी आपने सवाल किया बोर्ड पे किया हुआ है, $22 पर यूनिट की सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है मेरे पास? $22 सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। ऐसा ऐसा मैंने बोला सर पहले साल भी कितने का बेच रहे हो? 22 रुपए का। दूसरे साल भी कितने का? तीसरे साल भी। हमने बोला यार ऐसा थोड़ी ना होता है, दुनिया में एक चीज महंगाई भी होती है जिसको आप क्या कहते हो? इन्फ्लेशन। सर पहले साल अगर 22 का तो अगले साल 22 का तो नहीं होगा ना, थोड़ा तो ज्यादा होगा, तीसरे साल थोड़ा तो ज्यादा होगा, चौथे साल थोड़ा तो ज्यादा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? महंगाई। जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। एग्री करते हो बॉस? एग्री करते हो? चले सर अगर तो मुझे इन्फ्लेशन बोलेगा और अगर सवाल खामोश है, अगर सवाल खामोश है तो इन्फ्लेशन में कब से लगाना शुरू कर दूंगा? पहले साल से। कैसे? आइए सर अगला सवाल। सर मैंने आप लोग को एक अदद हैंडआउट दिया है, इसका क्वेश्चन नंबर 9। सर हैंडआउट दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 9। सर जी मैंने आपको हैंडआउट दिया है क्वेश्चन नंबर 9। सर इस सवाल को जरा पढ़े जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूँ। इस सवाल को आप जब तक पढ़े मैं जब तक बोर्ड का सफाया कर रहा हूँ। है जी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 3%। हां तो किराया बढ़ा रहा होता है, किराया भी तो बढ़ता है। जिस बंदे को तुम फिक्स तनख्वाह पे रखोगे काम देखने के लिए उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे? एडिशनल फिक्स कॉस्ट। एडिशनल फिक्स कॉस्ट भाई जिस बंदे को तुमने बोला कि यार ये प्लांट व्लांट जो लग रहा है, एक बंदा मैंने एडिशनल हायर किया तुम ये प्लांट को देखोगे संभालोगे उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे क्या? फिक्स तनख्वाह भी तो होती है इन लोगों की। हमने बोला एक चौकीदार भी बिठा दिया इस प्लांट के पास, हिलना नहीं, कुछ चोरी ना कर ले, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ोगे साल की? बढ़ेगी यार, क्यों नहीं बढ़ेगी भाई। चले सर क्वेश्चन नंबर 9। चले सर हमारा ये लास्ट सवाल, फिर हमारे पास्ट पेपर शुरू हो जाएंगे। चले जा सवाल में क्या कह रहा है? ए लिमिटेड मेक्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $300,000 फॉलोइंग आर द एक्सपेक्टेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एयर 1, 2, 3, 4, 5। पहले साल आपने कितने यूनिट बेचे? 12, 11, 500, 12, 16 और 18। सर सेलिंग प्राइस 22 रुपए पर यूनिट है, इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम ईयर 1 फ्रॉम ईयर 2। सर दूसरे साल से बढ़ना शुरू हो जाएगी, पहले साल कितने रखोगे? 22, फिर बढ़ेगी। इसी तरह मटेरियल भी है, लेबर भी है, वेरिएबल ओवरहेड भी है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी है, टैक्स भी है, सेल्वेज वैल्यू भी है, डेप्रिसिएशन भी और वैग भी है। मेरा भाई क्या मैं शुरू करूं? एयर कितने साल है बॉस? 5 साल। एयर 0, 1, 2,
थ्री फोर और फाइव। मेरा भाई सुनेंगे, सर सुनेंगे, सर पहला साल, सर मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूं, बॉस मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना रहा हूं, सर सुने सुने, सर सुने, यहां पे मैं बोल रहा हूं सर, पहली वर्किंग मैं कर रहा हूं जनाब सेल्स की, एयर यूनिट सोल्ड, सेल प्राइस पर यूनिट और सेल्स। जी सर, एक दो तीन चार और पांच। सर सुने भाई, पहले साल आप कितने यूनिट बेचना चाहते हैं? 12,000। दूसरे साल आप कितने यूनिट बेचना चाहते हैं? 11,500। तीसरे साल आप कितने यूनिट बेचना चाहते हैं? 12,000। चौथे साल आप कितने यूनिट बेचना चाहते हैं? 16,000। पांचवे साल आप कितने यूनिट बेचना चाहते हैं? 18,000। सर पहले साल, सर सेलिंग प्राइस कितनी है बॉस? सर सेलिंग प्राइस कितनी है बॉस? क्या बोल रहे हैं? $22। सर ये बोल रहे हैं इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम ईयर टू। इस साल की कितनी बॉस? $5। अगले साल कितने से बढ़ जाएगी? $22। अगले साल कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? 5%। तो 105% ले लो, कितना बॉस? 23.10। ठीक है, पॉइंट के बाद हम दूसरा नंबर राउंड ऑफ करके चलेंगे। सही, सब एक पैटर्न पे रहे ताकि। सर फिर कितने परसेंट से बढ़ेगी? 5% से। महंगाई हर साल नहीं बढ़ती? वाह वाह, अबे अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है भाई, महंगाई हर साल बढ़ती है यार, वैसे नहीं कर भाई, इंक्रीमेंट सैलरी का हर साल लगता है यार, ये थोड़ी 5 साल पहले लग गया 5 साल तक नहीं लगेगा, ऐसी बातें नहीं कर यार, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो होगा, मतलब जो चीज अंडरस्टूड है उस सवाल में थोड़ी मेंशन होगी। अंडरस्टूड ये नहीं है कि हर साल महंगाई ना हो, ये अंडरस्टूड नहीं है, हर साल सैलरी ना बढ़े ये अंडरस्टूड नहीं है। क्या मतलब? हर साल पता है सैलरी बढ़ेगी, किसी साल नहीं बढ़ी तो वो एक्सेप्शनल केस है, उसको हाईलाइट किया जाएगा, भाई साल नहीं बढ़ी, महंगाई हर साल बढ़ेगी, परसेंटेज सेम ही रहेगी। इस सवाल के अंदर सेम है, वरना आगे जाके चेंज हो सकती है, हो सकती है, लेकिन बढ़ेगी हर साल, किस साल कम नहीं होगी, कम भी हो सकती है, रुकेगी नहीं, तुमने बोला ना सर आप हर साल क्यों बढ़ा रहे हैं, रुकेगी नहीं ना, अप डाउन होंगे। चले सर बढ़ाइए सर फिर 105% से, कितना? 24.26 पॉइंट का दूसरा नंबर राउंड ऑफ करके चलिएगा, फिर बढ़ाइए सर 5% से, 105%, कितना? 25.47। फिर बढ़ाइए सर 105% से, कितना? 26.74। चलो बॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओके कर दिया भाई, ओके कर दिया भाई, चलो मल्टीप्लाई मारो, सेल तो बताओ टोटल। हाँ नहीं, मैं मल्टीप्लाई करो, 12,000 यूनिट, एक यूनिट कितने का बेच रहे हो? $22 का, तो कितना हुआ टोटल सेल्स? $12,000 यूनिट मल्टीप्लाई पे $22, कितना? 26,400। 11,500 मल्टीप्लाई बाय 23.1 कितना? 265,650। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 24.26 कितना? 291,120। 16,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 25.47 कितना? 407,520। सर 18,000 मल्टीप्लाई बाय 26.75 कितना? 481 भाई चेक करते रहे लड़के, चेक करना ना भाई, सही है ना? पहले साल कितनी सेल है बॉस? 264। सर दूसरे साल कितनी है? 265,650। तीसरे साल कितनी है सर? 291,120। चौथे साल कितनी है? 407,520। और पांचवे साल है मेरा भाई 500। क्या बेहतरीन हो गया सर, उसके बाद मेरे पास मटेरियल, सर उसके बाद मेरे पास लेबर,
उसके बाद मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, उसके बाद मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स एडिशनल। फिटफाट 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 चले सर, मेरे को वो मिटाने का, मैंने वहां पे मटेरियल की वर्किंग करनी है। तो थोड़ा फोटो का काम चला लेना। सही है भाई, तो हाँ यार नहीं मैं एका चेक कर रहा हूँ सैंपल के तौर पे ना। फाइव चेक कर लेंगे, फाइव चेक कर लिया। हाँ कर लिया सैंपल के तौर पे ना, मैं एका चेक कर रहा हूँ। डन है बॉस, पिक्चर ले ली भैया, ले ली। चले सर अगला, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बॉस क्या है मेरे पास मटेरियल। जी सर, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, वर्किंग नोट नंबर टू। सर जी मेरे पास है मटेरियल, आइए सर मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ लड़के बताओ सर मटेरियल कितने का है, ₹6 पर यूनिट का। सर जी $6 पर यूनिट का, कि कितने से बढ़ रहा है, 4% से। बोले तो 104, बोले तो 104, बोले तो 104, बोले तो 104, और दूसरे साल से बढ़ रहे, तुम भी दूसरे साल से बढ़ा रहे, बढ़ाओ बढ़ाओ कितना। हाँ 6.24, फिर फिर यस बॉस मल्टीप्लाई करवा दो शाबाश। तो सर जी मेरे पास मटेरियल आ गया। हाँ लड़के कितना, 72,000, फिर 6.24, 7.1760 भाई चेक करते रहना क्रॉस, फिर 4.9, 7.7880, फिर 6.75, 108,000, फिर 7.02630, 1 2 6 3 6 0 1 2 6 3 6 0। चलो जी सर एक आध बंदा चेक कर ले। सर पहले साल मटेरियल मैंने कितना लगाया, 72,000 का। सर दूसरे साल मैंने मटेरियल कितना लगाया, 71760। सर तीसरे साल मैंने कितना लगाया, 77880। एयर फोर मैंने कितना लगाया, 108,000। मैंने एयर फाइव कितना लगाया, 126 360। फिट है फिट है सर, मटेरियल प्लीज फोटो, मैं जब तक क्रॉस चेक कर लूं। सही लग रहा है मुझको, सही ठीक है सर। आगे बढ़े भाई, फोटो ले ली, ले ली बॉस। चले सर इसके बाद है नेक्स्ट मेरे पास लेबर, नेक्स्ट है मेरे पास लेबर। बस है तुम्हारे पेपर में ऐसे ही आता है भाई। यस चले सर उसके बाद है मेरे पास लेबर कॉस्ट पर यूनिट। सर जी लेबर लेबर कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास कितनी है, $4। सर ये कितने से बढ़ रही है, सर ये बढ़ रही है, ये भी 4% से बढ़ रही है। सर ये भी कितने से बढ़ रही है, 4% से। ये भी कितने से बढ़ रही है, 4% से। ये भी कितने से बढ़ रही है, 4% से। बढ़ाओ बढ़ाओ 4.16 4.33 फिर 4.50 फिर 4.68। चलो बस मल्टीप्लाई मारते रहो और मेरे को लेबर की कॉस्ट बताते चलो। बताओ भाई 48,000 फिर 47840 फिर 51960 फिर
72,000 फिर 84240 आओ जी सर जी लेबर की कॉस्ट एयर वन पे मेरे पास 48,000 एयर टू पे मेरे पास 47840 एयर थ्री पे मेरे पास 51960 उसके बाद है 72,000 और पांचवे साल में सर मेरे पास 84240 फिट हो गया सर इसके बाद मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल वाला भी सर जी फोंटो फोंटो ले ली फौरन बड़ा कोई चल रहा सर मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों ने वर्किंग बिल्कुल ठीक की होगी चले सर इसके बाद है मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड यस बॉस यहां पर यूनिट और यहां डॉलर सर वेरिएबल ओवरहेड का क्या सीन है $2 भाई ये 3% से बढ़ रहा है हाँ ख्याल करना थोड़ा सर ख्याल करना थोड़ा 3% है हाँ बताइए सर कितना 2.12 2.25 चलो बॉस मल्टीप्लाई कर दें 24,000 ये कितना 23690 25440 34880 40500 चले सर फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल सर एयर वन का कितना 24,000 सर जी एयर टू का कितना 23690 एयर थ्री का मेरे पास 25440 एयर फोर है मेरे पास 34880 एयर फाइव है मेरे पास 40,500 खत्म खुआरी खत्म सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास आओ जी 8,000 सर कितने से बढ़ रही है लो जरा 103% कितना 8240 फिर बढ़ाओ 3% से 8487 फिर बढ़ाइए 3% से 8742 फिर बढ़ाइए 3% से 9004 चले सर बस खत्म मेरे पास टैक्सेबल कैश फ्लोस बताएं लड़के एक भाई के पीछे भी करते रहे 11200 फिर लड़के आगे बढ़ाओ आगे बढ़ो वन टू सेवन थ्री फाइव थ्री आगे बढ़ाओ
183898 आगे बढ़ाओ 22 1396 फिट है सर सर टैक्स कितना है मेरे पास 25% लगाओ भाई लगाओ लगाओ जी लगाओ टैक्स लगाओ 25% लगाओ 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 28,000 फिर टू एट फाइव थ्री जीरो आगे बढ़ा दो 31838 आगे बढ़ा रहे 45975 फिर 55349 फिट हो गया चले सर सुने सर काम की बात सर जी टैक्स सेविंग फ्रॉम कैपिटल अलाउंस टैक्स सेविंग फ्रॉम कैपिटल अलाउंस बहुत सुनेंगे कैसे सर कैसे लेते थे हम भैया एसेट कितने का मेरे पास 3 लाख सर रिडक्शन का मेथड कौन सा मेरे पास रिड्यूसिंग एसेट कितने का है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट कितना मेरे पास 20% सर जी आंसर 60,000 भैया सुने हाँ सुने अभी कहा सर ये मेरे पास आया कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन सही है माइनस 20% जो कि मल्टीप्लाई 20% जो कि डेप्रिसिएशन है सर टैक्स सेविंग कितनी टैक्स रेट कितना 25% हम तो टैक्स सेविंग लेते ना टैक्स सेविंग लेते कितना 15,000 यस बॉस अब आइए सर शॉर्टकट लेके चलेंगे 15,000 सर बढ़ाइए आगे 80% डेप्रिसिएशन 20 तो 80 कितना बॉस 12,000 शॉर्टकट सीखा घर जाके लॉन्ग तरीके से कर लेना सही आंसर सेम आएगा 9,600 फिर बढ़ा दो सर 80% कितना 7,680 आखिरी साल नहीं पता ना आखिरी साल बैलेंसिंग सर बैलेंसिंग कैसे ऐसे सर एसेट कितने का 3 लाख का सर एसेट है मेरे पास 3 लाख का माइनस सर ये कितने का बिकेगा ये सर एक बक के बाद $10,000 का बिकेगा तो इसका मतलब है डेप्रिशिएबल अमाउंट मेरे पास कितना आएगा 290 और सर इस पे मुझे टैक्स सेविंग मिलेगी कितनी 25% कितना बॉस 72,000 सर ये मिलेगा मुझे पूरे इन सालों के अंदर माइनस करो 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 72,000 में से ये माइनस करें टोटल कितना मतलब पूरे 5 सालों के अंदर मुझे इतनी टैक्स सेविंग मिलेगी पहले साल में 15,000 टैक्स सेविंग ले चुका हूं दूसरे साल इतना तीसरे साल इतना चौथे साल इतना कितना बॉस बैलेंसिंग 28,220 इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी आ गया और लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल भी आ गया चले सर खत्म इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है सर और एसेट बेच के स्क्रैप उसका कितना मिलेगा मुझको 10,000 3 लाख पैसा गया तो माइनस और मुझको पैसा मिलेगा 10,000 चले सर खत्म तो सर मेरे पास कैश फ्लो चलो भाई पहले साल का बताओ कितना 99,000 एक मिनट सही सर ये कितना मेरे पास एक सेकेंड हाँ लड़के कितना ये 3 लाख एयर वन पे 99 फिर 97590 फिर 105115 फिर 130243 फिर लास्ट है ना लास्ट है 2042
2042 6 7 खत्म सर। सर डिस्काउंट फैक्टर कितना है? शायद 10% है, 1. क्या था? 909.826.751.683.621। लड़के ये भी बता दो, इतनी मेहनत की तो थोड़ी सी और मेहनत करेंगे। फोर वाला चेंज है लड़के, तुम चेक कर लो फोर वाला, तुम बताओ। 8991 मेरे को लग नहीं रहा, सही बता रहा नहीं जा रहा। हाँ सही है, 8.9099 दूसरे साल का बताया, 8.06 8.06 8.06 9 तीसरे साल का बताया, 7.51 7.8941 7.8941 चौथा छोड़ दो, चौथे में फंडा चल रहा है, आखिरी बताओ। मल्टीप्लाई 0.621 1268 हाँ 501 तो ये स्पेनिश में लिखा होता, देर से तो पढ़ रहा है ना, नंबर पढ़ने में इतनी देर लगा रहा है। यार ये चक्कर भाई, ये चक्कर 145 ये चक्कर ले रस, कैश हो चक्कर। तो मैं तो गलत बता रहा ना। 1.43893 चलो मल्टीप्लाई भी मार दो, 6 8 3 9 9 9 4 7 चलो नेट कर ले यार। चलो भाई एनपीवी कितनी, नेट करें नेट करें नेट करें। 8 0 6 0 9 चलिए यार ऐसा निकल रही है, कितने में होती है? 6:15 पे मगरिब टाइम कम है, चल जल्दी बता ना एनपीवी बता, नौस पड़े सर बीच में गैप करेंगे, मतलब बीच में गैप करेंगे। बता दे यार, 1.75 8.38 1.75 8.38 भाई क्रॉस चेक कर लो, यही है लड़के, ये सर चलो फिट है। चलिए सर आज की क्लास को उम्मीद तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है सर, अल्लाह।